नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब दुनिया। मैं हूं रूना आशीष और मेरे साथ है ब्रिगेडियर बलराम एस मेहता जी। इनकी जीवनी और इनकी किताब और इनकी कहानी बताती हुई पिप्पा नाम की जो एक फिल्म आई है, आपने पूरी देखी ली होगी। इनसे बात करते हैं और जानते हैं पूरी बातें। नमस्ते, कैसे हैं ब्रिगेडियर साहब? होप यू आर फाइन। नमस्ते रोना, ऑल वेल, थैंक यू। मैंने पिप्पा देखी और मुझे बहुत अच्छी लगी थी आपकी कहानी। टैंक मैन, जैसा कि मैं पीछे बुक में देख भी रही हूँ, दिखाई दे रही है, जी उस पर आधारित है। जी तो मुझे ये बताइए कि कहाँ से ये प्रेरणा मिली आपको कि जो जीवन में घटित हुआ है, जो हुआ है, उसके ऊपर कहानी लिखी जाए। जी उसमें ऐसा हुआ कि 1971 आई वाज अ वॉलंटियर एंड मैंने अपने रेजिमेंट रिजॉइन की वॉलंटरली इन अक्टूबर 1971। उस टाइम पे इन विद इन द अपनी फैमिली के अंदर वी वर फोर ब्रदर्स ऑन द फ्रंटियर एंड वन इन द रियर। तो कुछ ही दिन के अंदर न्यूज आई दैट वी हैव टू, हमको आगे जो है बॉर्डर की तरफ जो है जाके डिप्लॉय करना पड़ेगा। एंड सून आफ्टर दैट दस ये जो बैटल ऑफ गरीबपुर है 21 नवंबर का, दस ये जो बैटल है इसके अंदर वी गॉट इन्वॉल्व। और ये बहुत बड़ा बैटल था एंड आई वॉज ऑलरेडी पार्ट ऑफ दिस रेजिमेंट। तो देन वन थिंग लेड टू दी अदर। बाप रे, पूरी जो फिल्म थी ना उसमें आपको आपने तो रियल लाइफ जी है। मैं तो सिर्फ वो कुछ घंटों की फिल्म देख के इतना खुश हो रही थी। कहीं मतलब आई जस्ट कुड नॉट सिट एट वन प्लेस। आई वाज एट द एज ऑफ चेयर। मुझे ऐसा लगा कि अब उठ के मुझे ही लड़ना होगा। मतलब कैसे हुआ था कि क्या उन्होंने कहा था कि मुझे ये फिल्म बनानी है? ये था कि उसमें ऐसे हुआ है, मूवी के बारे में आप बात कर रही हैं पीपा के बारे में, कि ये किताब मैंने इसलिए लिखी थी क्योंकि 1971 जैसे ये लड़ाई खत्म हुई थी और सरेंडर हो गया था, तो मेरे जो टैंक क्रू थे उन्होंने मुझसे एक प्रॉमिस ली थी कि आने वाले दिन सालों में मैं उनकी बहादुरी और जो ब्रेवरी और जो सेक्रीफाइस है उसके बारे में एक किताब लिखूंगा। तो 1972 के अंदर ही मैंने कुछ नोट्स जो है बना लिए थे ऑफ सर्टेन इवेंट्स विच आर टेकन प्लेस। और फिर वो किताब जो है मेरे जो जो नोट्स है वो मेरे साथ रहे ओवर ऑल दीज ईयर्स। फिर 2015 में मैं एक वाइस चांसलर था ऑफ यूनिवर्सिटी इन छत्तीसगढ़, तो उस टाइम पे 45 कैवलरी के जो सीनियर ऑफिसर्स थे उन्होंने मुझे रिमाइंड कराया ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉमिस। तो आई रिजाइंड बींग अ वाइस चांसलर और इस बुक को जो है फिर मैंने कंप्लीट किया। और ये बुक फिर वॉज पिक्ड अप बाय द रॉय कपूर फैमिली और उन्होंने मुझे बुलाया फिर बॉम्बे में। और विद इन 10-12 मिनट की मीटिंग के अंदर, लंच मीटिंग के ओवर, ही सेड दिस इज अ पिक्चर दैट हैज टू बी मेड। तो शुरू डेफिनेटली में ये था कि इसको कैसे बनाया जाए, काफी लंबी बन जाएगी, तो उसके बीच में फिर उन्होंने डिसाइड किया कि थोड़ी आर्टिस्टिक लिबर्टी लेके जो बेसिक स्टोरी है उसको जो है प्रोजेक्ट किया जाए, क्योंकि जो 1971 का वॉर था इट एक्चुअली स्टार्टेड विद दिस पर्टिकुलर बैटल इटसेल्फ, जो बैटल है गरीबपुर का ऑन 21 नवंबर, क्योंकि इसके अंदर टैंक्स भी इन्वॉल्व हो गए थे और एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स भी जो है इन्वॉल्व हो गई थी। और दिस वॉज ये पहली बार था 1971 में जबकि कैबिनेट ने एक डिसीजन लिया था कि हमारी जो फौजें हैं वो 10 किलोमीटर बांग्लादेश के अंदर, ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जा सकती हैं, क्योंकि पाकिस्तान बहुत गोलाबारी कर रहा था बॉर्डर के ऊपर, आर्टिलरी शेलिंग वगैरह, जिससे कि काफी नुकसान हो रहा था। तो जैसे ही हम लोग 10 किलोमीटर अंदर गए तो अगले दिन जो है ये दिस बैटल टुक प्लेस। और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट था, हाँ, बहुत बड़ा इम्पैक्ट था अपनी अपनी फौजों के ऊपर, पाकिस्तान फौज के ऊपर, और जो इंटरनेशनल रेमिफिकेशन हुई है, जो इफेक्ट हुआ है इसका ऑन यूएसए, यूरोप और यूएनओ के अंदर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अगर आपके पास टाइम हो तो। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप एक थोड़ा सा आम लोगों की भाषा में समझाएंगे तो अच्छा लगेगा। जी तो इसका इम्पैक्ट ये हुआ था 21 नवंबर को बड़ा घमासान घमासान युद्ध हुआ, टैंक वर्सेस टैंक। पाकिस्तान के पास M24 शैफी टैंक है जो कि अमेरिकन ओरिजिन के पास अमेरिकन ओरिजिन के थे,
और हमारे पास है PT-76 जो कि एम्फीबियस टैंक्स है। ये जो टैंक था इसका रेजिमेंट वालों ने नाम दिया हुआ था पिपा, क्योंकि इसका जो चादर थी बड़ी हल्की चादर होती थी इसकी, और उसी की वजह से ये लैंड पे भी काम करता था और पानी के अंदर भी फ्लोट जो है कर सकता था ये। तो इस टैंक वर्सेस टैंक बैटल के अंदर जो कि पाकिस्तान की तरफ से उनके जो सीनियर जनरल थे लेफ्टिनेंट जनरल A.K. नियाज़ी, उन्होंने ये प्लान किया था और उन्होंने अपनी जो ये 107 ब्रिगेड है उसको इस्तेमाल किया था। और जब ये टैंक वर्सेस टैंक बैटल हुआ उसके अंदर जो मेरा जो ऑफिसर कमांडिंग था मेजर D.S. नारंग, ही वॉज किल्ड इन एक्शन और वो मार्टियर हो गए। और उसी लड़ाई के दौरान मुझे जो है इस टैंक वर्सेस टैंक बैटल को टेक ओवर करना पड़ा। और जैसे ही दिन खत्म हुआ तब तक हमने दुश्मन का पूरा स्क्वाड्रन जो है डिस्ट्रॉय कर दिया था और हमारे सिर्फ 2 टैंक जो है डिस्ट्रॉय हुए थे। उसी के साथ एनिमी हैड अबाउट 350 to 400 कैजुअलिटीज और उनको वॉज लेफ्ट नो चॉइस बट अपनी एयरफोर्स को बुलाने के लिए। तो अगले दिन एयर अटैक हुए हमारे पास, उसके अंदर हमारा एक टैंक जो है बर्बाद हुआ। बट जो इसका इम्पैक्ट था पाकिस्तानी जनरल्स के ऊपर और हमारी फौज के ऊपर, दैट वॉज कम्प्लीटली इन आर फेवर, बिकॉज लड़ाई डिक्लेयर होने से पहले ये ऑलरेडी मेजर विक्ट्री हो गई थी। और इसका जो इफेक्ट था USA के अंदर वो एक बहुत बड़ी कहानी है, जिसके अंदर प्रेसिडेंट निक्सन ने डिसाइड किया टू टिल्ट टुवर्ड्स पाकिस्तान एंड डू और प्रोवाइड जितनी मैक्सिमम हेल्प उनको हो सकती है डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली थ्रू अदर कंट्रीज। उसी के साथ साथ जो उनकी 7th फ्लीट थी उसको वार्निंग ऑर्डर उन्होंने तभी भेज दिया कि हो सकता है आने वाले दिनों में आपकी जरूरत पड़े अरेबियन सी के अंदर और बे ऑफ बंगाल के अंदर। आप रे, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैटल। आई एम श्योर सर, मुझे ये बताइए कि ये जब सब चीजें हो रही थी, आप सर्टनली बहुत यंग एज के थे, आज जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो मैं उस एज की नहीं रही, मैं आपसे बहुत छोटी हूँ उम्र में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पूरा ये 1971 वॉर ने भारतीय सेना के अंदर, चाहे वो एयरफोर्स हो या नेवी हो या फिर आर्म फोर्सेस हो, उनके अंदर एक जज्बा भर दिया था कि हम जीत सकते हैं। तो क्या ये, मुझे ऐसा लगता है, क्या ये सच में ऐसा हुआ था? इमोशनली कितने चार्ज्ड अप हुए थे हमारे पूरे सेना वाले? इमोशनली के अंदर यह होता है कि अगर नोबल कॉज हो तो जनरल ऑफिसर भी और जो जवान होता है जो सोल्जर होता है उसको भी बड़ी एनर्जी और एंथुजियाज्म मिलती है कि वो किसी बड़े मुद्दे के लिए बड़े किसी बड़े एम के लिए किसी बड़े ऑब्जेक्टिव के लिए जो है वो अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार है, अपनी कंट्री के लिए अपनी यूनिट के लिए। और इस केस के अंदर जैसे हमारे PM साहब ने पहले बताया था बोला था कि दिस हैज बीन द बिगेस्ट बैटल फॉर ह्यूमन लिबर्टी जो और ये बड़ा रेयर एग्जाम्पल है जबकि एक कंट्री दूसरी कंट्री की आजादी के लिए और जो शरणार्थी आए हुए थे जो रिफ्यूजीज आए हुए थे 10 मिलियन रिफ्यूजीज उनकी हैप्पीनेस के लिए उनकी लिबर्टी के लिए और उनकी फ्रीडम के लिए ये लड़ाई जो है लड़ी गई है। और इसके अंदर इट्स अ वेरी रेयर एग्जाम्पल हिस्ट्री के अंदर जब एक कंट्री दूसरी कंट्री की आजादी के लिए तैयार जो है हो जाती है और सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाती है। बिल्कुल और इसमें हमारी बिल्कुल आर्मी नेवी एयरफोर्स सभी जो है इक्वली इन्वॉल्व थे। बट बिल्कुल मोर देन दैट द बेसिस ऑफ विक्ट्री वॉज कि जवानों के पास और ऑफिसर जो लीडरशिप है उनके पास एक बहुत बड़ा एम या मुद्दा था, मॉरल विक्ट्री मॉरल रीजन था ऑफ लिबर्टी एंड ह्यूमैनिटी, ये बहुत बड़ा यस मुद्दा था। यस एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप कितना काम आती है अपने देश को ऐसे आगे बढ़ाने में। लाइक उस समय भी इंदिरा गांधी जी ने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लिए हैं, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी आए होंगे इस दौरान, बहुत सारे पॉलिटिकल प्रेशर्स होंगे, इंटरनेशनल प्रेशर्स होंगे, मुझे नहीं मालूम। क्या आप बता सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप कितना फायदा पहुंचाती है देश के हर शख्स को एंड एट द सेम टाइम इंडियन डिफेंस सर्विसेस को?
जो स्ट्रांग लीडरशिप है दिस हैज टू, ये 71 के अंदर ये एग्जिस्ट कर रही थी एट ऑल लेवल्स। आर्मी लेवल के ऊपर आप देखिए, एयरफोर्स के अंदर देखिए, नेवी के अंदर देखिए, और इसका सुप्रीम एग्जाम्पल ऑफ लीडरशिप आता था फ्रॉम टू स्पेसिफिक पीपल। वन वॉज द डिफेंस मिनिस्टर जगजीवन राम, एंड अबव दैट वॉज इंदिरा गांधी एज द प्राइम मिनिस्टर। मैं आपको छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ कि लड़ाई से पहले, कुछ दिन पहले, इन द मंथ ऑफ नवंबर, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, जो इंदिरा गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थी, शी हैड विजिटेड यूरोप एंड यूएसए। उनका एम ये था कि उनको पूरी नेशंस को आगाह किया जाए कि हम लड़ाई नहीं करना चाहते, बट आप लोग इस इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं तो हमारी मदद कीजिए। उसके अंदर जो पीएम थी हमारी इंदिरा गांधी, उनकी हालांकि एक अपॉइंटमेंट थी विद द यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन, बट उनकी एटीट्यूड अलग किस्म की थी, क्योंकि वो उस टाइम पे चाइना के साथ अपना समझौता और कुछ अग्रीमेंट्स वगैरह जो है करना चाहते थे, और पाकिस्तान उनकी जो है पूरी मदद कर रहा था। तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनको थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट हुई, क्योंकि जो शेड्यूल्ड मीटिंग थी उसके अंदर काफी जो है डिले जो है किया गया, बट बिकॉज ऑफ स्ट्रांग लीडरशिप एंड हाई हाई सेंस ऑफ व्हाट यू कॉल मोरालिटी, उन्होंने उस चीज को, एम्बैरेसमेंट को एक्सेप्ट किया। और जब वो बाहर निकल रही थी, किसिंजर जो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उन्होंने एडवाइस किया हमारे पीएम को कि आपको इस चीज का बुरा नहीं मानना चाहिए कि डिले हो गया। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारी कंट्री जो है काफी स्ट्रांग कंट्री है और हम इसका जवाब भी जो है सही टाइम पे दे सकते हैं। और जैसे ही वापस आए प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कैबिनेट मीटिंग की, और उस टाइम पे ये बहुत बड़ा डिसीशन लिया फॉर द फर्स्ट टाइम कि हमारी फौजें 10 किलोमीटर तक ईस्ट पाकिस्तान टेरिटरी के अंदर एंट्री जो है कर सकती हैं। और उसी का नतीजा हुआ ये बैटल, और ये बैटल बिकेम स्टार्ट ऑफ अ 13-day war जो कि 16 दिसंबर को खत्म हुआ, एंड नाउ वी सेलिब्रेट एज विजय दिवस। और उस पूरी वॉर के अंदर दिस बिकेम द बिगेस्ट टैंक वर्सेस टैंक बैटल इन द ईस्टर्न सेक्टर, विच वॉज अनदर रीजन फॉर पीपा बींग मेड बाय रॉय कपूर एंड रॉनी स्क्रूवाला। बिल्कुल. डू यू थिंक अभी जिस तरीके से हम लोगों के यहाँ आर्म सर्विसेज है, जितने भी लोग हैं उनको जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, चाहे वो फिल्म बनाकर हो, चाहे उनके ऊपर शॉर्ट स्टोरीज बनाकर हो, या फिर मीडिया से इंटरेक्शन अब बढ़ गया है जो पिछले कई सालों से नहीं होता था. डू यू थिंक इट इज गोइंग टू चेंज? क्या ये एक अच्छी पहल है? मेरे ख्याल से ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की जो जनरेशन है उनको ये बताना कि जो जिन्होंने एग्जाम्पल सेट किया है ऑफ सेल्फलेसनेस, ऑफ ब्रेवरी, ऑफ करेज एंड कैरेक्टर, जब तक ये चीजें मीडिया प्ले अप नहीं करेगा स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर, स्टूडेंट्स और यंग पॉपुलेशन के अंदर, तब तक वो स्पिरिट और जो सेंस ऑफ सेक्रीफाइस है और जो सेंस ऑफ डिसिप्लिन है और सेंस ऑफ कंट्री बिल्डिंग है, वो जो है बिल्डअप नहीं होगा। और हमारी नेशन एज अ कंट्री, वी आर नाउ बिगनिंग टू कम आउट ऑफ अ शेल ऑन टू द इंटरनेशनल स्टेज, सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो नंबर ऑफ चेंजेस किए गए हैं दे आर ऑल इंडिकेटर्स दैट इंडिया इज ऑन द राइज एंड विल अपनी जो उसकी जो ट्रू पोजिशन होनी चाहिए वर्ल्ड फोरम के अंदर, वो उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बोथ इकोनॉमिकली एंड एज ऑल्सो एज अ मिलिट्री पावर, विच इज बिल्कुल वेरी वेरी गुड फॉर दी कंट्री। सर. अभी कई बार कवरेज करते करते मुझे सुनने में भी आता है इंडिजिनस चीजों का, और पहले हर पार्ट बाहर से बुलवाया जाता था, आज हर पार्ट हम कोशिश पूरी कर रहे हैं कि हम सारे ही पार्ट्स भारत में बनवाएं. ऐसे में क्या कोई नई जनरेशन मदद कर सकती है? क्या नई जनरेशन? जी नई जनरेशन के लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है टू बिकम पार्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग। इसका मैं आपको एक अपना पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। मैंने प्री मेच्योर रिटायरमेंट ली थी इन 1998। उसके बाद आई वॉज एबल टू सर्व इन द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात फॉर 3 ईयर्स, और वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है गांधीनगर के पास कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। उस इंस्टीट्यूट में आई वॉज एबल टू रन द फर्स्ट एंटरप्रीनरशिप कोर्स
फॉर रिटायरिंग डिफेंस एम्प्लॉयज, और उसका बहुत बड़ा फायदा हुआ। वी ट्रेन 30 पीपल फ्रॉम द आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स, और उसके बाद यही कोर्स जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ने 5-5, 6-6 महीने का कोर्सेज जो है स्टार्ट किए हैं, जो कि अब रेगुलरली जो है रन हो रहे हैं। एग्जाम्पल जो आपको इसलिए दे रहा हूँ दैट इफ यू क्रिएट सम अपॉर्चुनिटी फॉर यंग पीपल देन इट कैन गेट ट्रांसलेटेड इन टू लार्ज नंबर ऑफ एमएसएमईज और स्टार्टअप्स, और ये जितने स्टार्टअप्स होंगे दे विल ऑल कॉन्ट्रीब्यूट एज फार एज दी डिफेंस एंड डिफेंस इक्विपमेंट इज कंसर्न, ताकि हमको बाहर से कुछ भी जो है ना मंगाना पड़े, एंड वी बिकम सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ डिपेंडेंट। इस हाँ डायरेक्शन में अभी काफी एक्साइटमेंट है कंट्री के अंदर, यस काफी नई चीजें जो है निकल रही हैं, और मैं जरूर अपील करूंगा टू ऑल यंग पीपल नॉट टू बी लुकिंग ओनली फॉर जॉब्स इन द गवर्नमेंट और इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, बट टू मेक यूज ऑफ द वेरियस फैसिलिटीज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट एंड स्टार्ट समथिंग ऑफ देयर ओन। देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज विच आर कमिंग अप बिल्कुल एंड दे शुड मेक मेक यूज ऑफ इट। बिल्कुल। एक लास्ट सवाल जाते जाते पूछना चाहूंगी। हम सभी लोगों ने आ, आ, जो सैम मानेकशॉ साहब हैं उनको बहुत ज्यादा प्यार दिया है, मेरे फेवरेट लीडर हैं, आप तो उनसे मिल चुके हैं, तो क्या याद है उनकी, वो किस तरीके की पर्सनालिटी रहे हैं, अगर आप कुछ बता सकें। जनरल फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ वाज आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटी। आई थिंक सेंचुरी में अगर एक दो ऐसे इंडिविजुअल्स को बर्थ मिले और अपॉर्चुनिटी मिले टू डू समथिंग फॉर द कंट्री, ही बिकम्स लाइक अ ध्रुव तारा, यू नो, ही बिकम्स एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट सीनियर लीडरशिप कैन डू फॉर नेशन बिल्डिंग एंड फॉर द मोरल ऑफ द कंट्री। ही वॉज एग्जेम्पलरी मिलिट्री लीडर एंड इंस्पायर्ड पीपल बाय हिज चार्म, बाय हिज विट, बाय हिज मैनर्स एंड हिज मॉरल कैरेक्टर, अबव ऑल हिज मॉरल कैरेक्टर एंड हिज लव फॉर द कंट्री एंड हिज लव फॉर हिज ट्रूप, मोर पर्टिकुलरली द गुरखाज, बट अदरवाइज फॉर ऑल द डिफेंस फोर्सेस। चलिए, वी ऑल थैंक यू। रिमेम्बर श्योर, थैंक यू, थैंक्स हिम। लॉट ब्रिगेड जी सर। जी सर, कुछ कहना चाहेंगे? मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि जो कंट्री के अंदर 71 वॉर के बाद एक बैटल ऑनर्स कमिटी जो है बनाई गई थी, उसमें जो भी यूनिट्स का जिन्होंने यूनिट्स का जो सेक्रीफाइस है और जो उनकी कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द वॉर एफर्ट, उसको स्टेट गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको रिकॉग्नाइज करती है बाय गिविंग देम अ बैटल ऑनर। अब डिफिकल्टी यह है कि जो बैटल्स 3 दिसंबर वॉर डिक्लेयर होने से पहले जो बैटल्स हुई थी उनको अभी तक बैटल ऑनर्स जो है नहीं दिए गए, क्योंकि वॉर जो है डिक्लेयर नहीं हुआ था। बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है क्योंकि सोल्जर्स वर इन्वॉल्व, और उन सोल्जर्स का जो ब्लड है या जो उनकी सेक्रीफाइस है, जो उन्होंने लाइफ सेक्रीफाइस की है उस यूनिट के अंदर, वो जरूर रिकग्नाइज करनी चाहिए, बिल्कुल बिकॉज बिल्कुल यही चीज है जो यूनिट को इंस्पायर करती है। जो नए जवान आते हैं वो इस रिकग्निशन को, स्टेट रिकग्निशन को, जिसको बैटल ऑनर कहते हैं, उसी से जो है उनको इंस्पिरेशन मिलती है, और ये यूनिट्स का जो है ट्रेडिशन होता है उसके अंदर उनकी बहुत ताकत जो है बढ़ सकती है। एंड एज अ कंट्री ऑल्सो इट इज समथिंग दैट वी शुड टेक नोट ऑफ। बैटल ऑनर इज बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूनिट, जैसे गैलेंट्री अवार्ड इज वेरी हाँ इंपॉर्टेंट फॉर हाँ दी इंडिविजुअल। तो चलिए, दोनों की आपने, अहमियत है, हाँ जी हाँ जी, आई अंडरस्टैंड आई अंडरस्टैंड। आपने एक इतना यूनिट के समय लिए दिया, और एक। जी, सर आपने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और थैंक यू आपको डोला, लंबे थैंक यू समय वेरी तक मच। लोग याद रखें, मेरी यही इच्छा है। थैंक यू, थैंक सी यू। पीपा एंड रीड दिस बुक टैंक मैन, व्हिच इज अ हिंदी वर्जन ऑफ दी बर्निंग शैफीज, जिसके ऊपर ये पीपा बनाई गई थी। एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू शेयर विद यू कि जो बर्निंग शैफीज है इसको गुजराती के अंदर, इसको हिंदी के अंदर और बंगाली के अंदर हैज बीन ऑल्सो ट्रांसलेटेड, एंड वी आर नाउ लुकिंग फॉर समबडी फ्रॉम द साउथ टू से दैट वी वॉन्ट टू ट्रांसलेट इट इन टू वन ऑफ दी साउथ इंडियन लैंग्वेजेस। ठीक है सर, थैंक यू, आपने ये सब इन्फॉर्मेशन दी हमको, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।